शाहरुख खान की फिल्म पठान कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाली है। किंग खान के फैंस बड़ी बेसब्री से बिग स्क्रीन पर उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म लगातार विवादों में उलझती जा रही है। हाल ही में फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज किया गया था, लेकिन सॉन्ग के सामने आते ही ये कॉन्ट्रोवर्सी में घिर गई। हालांकि बॉलीवुड के कई स्टार्स ने पठान को सपोर्ट किया है। प्रकाश राज और स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण और फिल्म को सपोर्ट करते हुए आपत्ति जताने वालों के खिलाफ अपनी बौखलाहट निकाली थी। वहीं फिल्म को लेकर मचे इस बवाल पर नसीरुद्दीन शाह की वाइफ और एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने भी इस पर रिएक्ट किया। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में रत्ना पाठक ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर ये चीजें आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं, तो हम बहुत मूर्खतापूर्ण समय में जी रहे हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी या महत्व देना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि भारत में इस वक्त जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं, वो जरूर सामने आएंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है, भय का माहौल, बहिष्कार किए जाने का डर हमेशा नहीं रहेगा। रत्ना पाठक शाह ने आगे कहा, मुझे लगता है कि इंसान एक हद के बाद नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पहले बढ़ता है, लेकिन फिर लोग अपने आप इससे थक जाते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। हमारे देश की तरफ देखिए, महामारी ने छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया। लोगों के पास ठीक से खाने के लिए खाना तक नहीं है, और हम इस पर दिमाग खपा रहे हैं कि लोग क्या पहन रहे हैं। रत्ना पाठक शाह ने जिस तरह से पठान का सपोर्ट किया है, उसे देख हिंदुओं का गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। पठान का विरोध देख रत्ना पाठक शाह बुरी तरह बौखला गए। हाल ही में फिल्म के पहले गाने बेशर्म रंग को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है, और इस बिकिनी को लेकर ही विवाद चल रहा है। कुछ नेता और संगठन इस गाने पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही वो फिल्म को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में किंग खान एक रॉ एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में जॉन विलन की भूमिका निभा रहे हैं। सिर्फ शाहरुख और जॉन का ही नहीं, बल्कि टीजर में दीपिका का भी दमदार एक्शन फैंस को देखने को मिला। यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन में बनी फिल्म पठान में सलमान खान भी कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले सलमान शाहरुख खान की फिल्म जीरो में एक गाना कर चुके हैं। अब पठान के जरिए सलमान और शाहरुख भी फिर से एक साथ नजर आएंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की पठान का क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।